नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपके साथ में फरहा सदीकी। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए हैं। शाइस्ता परवीन को ओवैसी की पार्टी की सदस्यता दिला दी गयी। देखिए रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए हैं। 12 बजे लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी और अतीक की ओर से सदस्यता ली, क्योंकि अतीक प्रयागराज जेल में बंद है। वहीं माना जा रहा है कि प्रयागराज पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए AIMIM शाइस्ता को टिकट देगी। बता दें कि अतीक अहमद पहले ही 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। साल 2014 में 1 बार सांसद रहे, 2 बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, 2 बार डॉक्टर सोनेलाल पटेल द्वारा शुरू किए गए अपना दल में भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनका परिवार किसी भी पार्टी में नहीं था। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया था। ओवैसी बाराबंकी में भी वंचित शोषित समाज सम्मेलन करेंगे। इन सम्मेलनों में ब्राह्मण, दलित, ओवैसी, मुस्लिम सभी शामिल होंगे। शौकत अली ने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में विकास के हैदराबाद मॉडल को लेकर आएगी, जहां मस्जिद में अजान देने वाले और मंदिर के पुजारी दोनों को वेतन दिया जाता है। ओवैसी अतीक का बचाव करते हुए बोले कि यदि कोई ये कहता है कि अतीक अहमद पर कई केस हैं और वो जेल में बंद है, तो बीजेपी के 116 सांसदों पर विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं, उनमें से 87% पर गंभीर आरोप हैं। यही हाल बीजेपी के सहयोगी दलों का भी है। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में प्रज्ञा, कपिल, अजय नाम वाले संभ्रांत हैं, जबकि अतीक मुख्तार व शहाब बाहुबली कहे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बहुजन समाज पार्टी के अयोध्या से आगाज करने के बाद अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी रामनगरी में अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पहली सभा की, जिसमें ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ पोस्टर विवाद का अंत भी हो गया। पार्टी ने भूल सुधारते हुए नया पोस्टर छपवाया है, जिसमें फैजाबाद की जगह अयोध्या लिखा गया है। पोस्टर में फैजाबाद लिखे होने पर संतों ने मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 3 दिवसीय यूपी दौरे पर हैं। ओवैसी ने अयोध्या से अपनी पार्टी का चुनावी शंखनाद कर दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन्हें साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, पर एक बार फिर ओवैसी की पार्टी से अतीक अहमद शुरुआत कर रहे हैं। देखना यह होगा कि क्या यूपी में योगी के रहते किसी और की धाक जम पाती है या नहीं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।